नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट महेश पाटीदार जी। आइए इनसे बात करते हैं शहर की ज्वलंत समस्याओं पे। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, शहर का जनमानस जो है वो किस बात को लेकर, किन समस्याओं को लेकर प्रभावित हो रहा है, उस पर खास तौर पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। चूंकि विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे जो है जबरदस्त रूप से चर्चाओं में। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। वॉइस ऑफ एमपी का और आपका बहुत धन्यवाद। आपने शहर की जलन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, सबसे प्रमुख बात से शुरू करते हैं। बंगला बगीचा एरिया जो कि लंबे समय से अटकी पड़ी है, जटिल समस्या बन गई है, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर पालिका चुनाव में भी वादा किया गया था इस समाधान का, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, फिर विधानसभा चुनाव आ गए। देखिए, नीमच का सौभाग्य था कि नीमच को एक बेहतर शहर मिला था। लगभग 100-100 फीट चौड़े शहर रोड थे, नगरपालिका के पास अपार संपत्ति थी, बंगला बगीचा खेत थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने बंगला बगीचा के साथ साथ खेतों पर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि नीमच में कोई कॉलोनियाँ डेवलप नहीं की। इसकी वजह से शहर में भूमाफिया बढ़े, इसकी वजह से भूमि का अतिरिक्त रेट बढ़ा, और इसकी वजह से शहर का प्रॉपर विकास नहीं हो पाया। इसका मूल कारण बंगला बगीचा के साथ खेतों का सही समय पर नगरपालिका के द्वारा निराकरण नहीं करना भी रहा है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें यह है कि इस शहर में स्वास्थ्य की परेशानी है। पेयजल को लेकर अनेक दावे किए गए थे। ये कहा गया था कि आपकी तीसरी बिल्डिंग पर दूसरी बिल्डिंग तक पानी चला जाएगा, 24 घंटे पानी मिलेगा, लेकिन आज 2 दिन और 3 दिन में जनता को पानी मिल रहा है। तो ये नीमच शहर की समस्याएं अपार समस्याओं में से बड़ी समस्याएं। लेकिन जब हम विकास के बारे में बात करते हैं तो केवल 1-2 मुद्दों पर प्रभावित नहीं होता है, हर समस्याएँ अलग अलग है। जैसे सपोज मानो कि ये TIT ने नीमच का निर्माण किया। TIT ने निर्माण करते समय राजेश कॉलोनी, शिक्षक कॉलोनी के लोगों से कहा था कि 30 साल के बाद हम आपका पट्टा नवीनीकरण कर देंगे। आज उनके पट्टे नवीनीकरण नहीं होते हैं। हुड़को कॉलोनी, अलग से हुड़को ने योजना बनाई थी, लेकिन आज उनके ऊपर टैक्स पे टैक्स और ब्याज पे ब्याज लग रहा है, उन लोगों की आज रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही है। इंदिरा नगर हाउसिंग बोर्ड ने तैयार किया है, लेकिन इंदिरा नगर की हाउसिंग बोर्ड में फ्री होल्ड नहीं होता है, 2-2 बार नामांतरण कराना पड़ रहा है, 2 बार निर्माण की अनुमति लेना पड़ रहा है। एक आदमी के पास 2-2 अलग अलग संस्थाओं में जाने से उसका करप्शन बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, हर स्थानों पर अलग अलग समस्याएं हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि जनता के प्रतिनिधि बड़ी बड़ी समस्याओं पर वादे तो करते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर उनके प्रयास गौण हैं। यहाँ तक कि नीमच शहर में गाड़ी खड़ी करने का पर्याप्त स्थान भी नहीं है। आप विजय टॉकीज से लगा के फमारा चौक तक चले जाइए, आपके पास पार्किंग का पर्याप्त स्थान भी नहीं है। शहर का व्यापारी इसकी वजह से प्रभावित है। आम आदमी शहर के बाहर जाता है, बाहर के जाकर वो व्यापार कर लेता है, लेकिन शहर में गाड़ी कहाँ खड़ी करे, इसलिए वो शहर में व्यापार करने भी नहीं जाता है। तो इसका नुकसान शहर के व्यापारियों के साथ जनता को भी हो रहा है, ऐसी बहुत समस्या है। सर, बंगला बगीचा को लेकर मैं विशेष रूप से आपसे जानना चाहता हूँ कि बंगला बगीचा को लेकर क्या मूल लोगों की नाराजगी है और क्या समाधान होना चाहिए। देखो, बंगला बगीचे को लेकर शुरू से जो प्रयास होना था, एक तो वो हुए नहीं। 2017 में शिवराज सरकार एक एक्ट लेकर आई है। मैं इस एक्ट को राजनीतिक से परे जाकर ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, एक कदम तो उठाया है, कम से कम प्रयास तो हुआ है कि हाँ, इस समस्या का निराकरण किया जाए। लेकिन ये समस्या इस एक्ट से धरातल पर सॉल्व नहीं हुई है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि बड़े बड़े लोग, भूमाफिया लोग, पूंजीपति लोग तो पैसा देकर बाहर आ गए हैं, लेकिन आम आदमी के ऊपर जो इसका प्रीमियम राशि, जो निर्माण राशि और जो टैक्स राशि लगना है, वो बहुत ज़्यादा लग रही है। आम आदमी इस प्रीमियम को देने में सक्षम नहीं है, एक नंबर। दूसरा है कि लीगल टाइटल के डॉक्यूमेंट भी सबके पास होना पॉसिबल नहीं है, जैसे वसीयत, जैसे हिब्बा, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, ऐसे अनेक कारण हैं जिसका अलग 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 बंगलों पर लेकर, अलग अलग फाइल को लेकर अलग अलग प्रयास है। सब पर एक नियम थोपा नहीं जा सकता। लीज नवीनीकरण की समस्या भी जबरदस्त रूप से सब पैदा हो रही, लोग इसको लेकर भी परेशान हो रहे। सर, इसकी में 34-36 की बात करें या और कॉलोनियों की बात करें। सर, हाँ, लीज की समस्याओं का जो कारण है वो मूल कारण नगरपालिका स्वयं है। नगरपालिका यदि किसी व्यक्ति को एक अवधि के लिए, जैसे शास्त्री नगर में किसी को प्लाट दिया कि आप 24 महीने में बनाना है, आज 24 साल 30 साल हो गए नगर वहाँ पर निर्माण नहीं हुआ है, तो नगरपालिका को प्रयास करना था कि उसका पट्टानामा रद्द करते, उस व्यक्ति को देते जिसको आवश्यकता थी। या उन लोगों ने वहाँ पर मकान की जगह बड़े बड़े आलीशान
बना ली, बिल्डिंगें बना ली है या वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, तो उस पर तत्काल उस समय कार्रवाई करना थी कि आप आवासीय स्थान का व्यवसायिक उपयोग कर रहे हो, लेकिन उसकी वजह से लीज रोकना गलत है। उसकी वजह से आपके पास अलग ऑप्शन है, आप उस पर काम करो, लेकिन उसकी वजह से आप लीज रोक दोगे, ये गलत है। तो इसकी वजह से पूरा शहर इफेक्टेड हो रहा है, इसकी वजह से लोगों को निर्माण की अनुमति नहीं मिलती है, लोन नहीं मिलता है, आगे डेवलपमेंट नहीं होता है। तो शहर के सारे लोग इसको लेकर, जो जो TIT के द्वारा बनाई गई कॉलोनियाँ हैं, वो इस समय सारे लोग परेशान हैं। सर, उपनगर बघाना की बात करते हैं, आज तक वहाँ ओवरब्रिज नहीं बना। उपनगर बघाना की अलग समस्याएं हैं, वो छोटी छोटी कॉलोनियाँ और पुराना शहर है, वहाँ पर मूलभूत समस्याएं, लोगों के पास नहीं, ब्रिज नहीं है, पढ़ने का प्रॉपर स्थान नहीं है, प्रॉपर अस्पताल नहीं है, वहाँ के लिए प्रॉपर सब्जी मंडी नहीं है, वो तो सब कुछ बिल्कुल कटा हुआ शहर है। एक तरह से उनके लिए तो एक अलग से नीमच सिटी और बघाना के लिए अलग से एक मापदंड बनाया जाना पड़ेगा और उसके लिए अलग से ही काम करना पड़ेगा। उन लोगों में जागरूकता की कमी भी है, वहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में भी अलग से नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे वहाँ के ड्रेनेज को ठीक किया जाए। मैंने देखा है अनेक घर ऐसे हैं जिन घरों पर चूल्हा है और चूल्हे के बाहर ड्रेनेज जा रहा है, उसमें से लेटरिन बह रही है, इतनी गंदगी में लोग रह रहे हैं। जागरूकता की कमी भी है और प्रयासों की कमी भी है। सर, और क्या ऐसे मुद्दे या समस्याएं आपकी निगाह में हैं जो कि इस समय खास करके प्रभावित कर रहे हैं? सर देखिए, नीमच शहर में अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनता को इफेक्टेड करते हैं। जैसे नीमच में जमीनों के भाव बहुत ज़्यादा हैं, उसका कारण यह है कि यहाँ पर नगर पालिका और TIT कोई कॉलोनी नहीं बना रही है। सबसे पहले TIT को और नगर पालिका को यहाँ की कॉलोनियों का विकास करना चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मकान मिले, जिससे भाव कम हो। दूसरा, यहाँ पर पास जो है खेती करने वाले जो लोग हैं, उनको शहर में रोजगार करने का स्थान पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ पर केवल एक OPM फैक्ट्री है जो रोजगार देती है, लेकिन आपने देखा होगा कि OPM फैक्ट्री में पिछले 15 सालों से नीमच के स्थानीय लोगों को कोई भी रोजगार नहीं मिला है। उन लोगों की छटनी हो गई है, वो लोगों को पेंशन मिल गई है, लेकिन उसके आधार पर नीमच के लोगों को वहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है। कंपनियाँ स्थापित हो गई लोगों को रोजगार देने के लिए, लेकिन रोजगार का स्थान नहीं है। आपने देखा होगा पास में CCI फैक्ट्री है, 26 सालों से बंद पड़ी हुई है। वो बंद पड़ी हुई का नुकसान अगर उसको फ्री में भी चालू कर दिया जाए तो उसकी GST से ही शहर का फायदा होगा, उसके व्यापार से फायदा होगा। तो इस प्रकार रोजगार के स्थान पैदा करना बहुत जरूरी है। दूसरा, यहाँ के बच्चे कोटा इंदौर पढ़ने जाते हैं। जब मेरा कहना है कि नीमच शहर में पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, तो यहाँ के बच्चे कोटा इंदौर क्यों जाएंगे? ऐसे प्रयास सरकार को करना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए कि यहाँ के बच्चे बाहर न जाएं, उनके ऊपर बाहर जाने का प्रेशर न हो। ऐसे अनेक प्रयास हैं, लेकिन आप ये जानकर आश्चर्यजनक होंगे कि पिछले लंबे समय से कोई भी जनप्रतिनिधि, इस समय भी किसी जनप्रतिनिधि का अभी ऐसा कोई आपको घोषणा पत्र नहीं आया नीमच के बारे में कि उनने क्या किया है और वो क्या करेंगे। कोई भी प्रयास उनकी तरफ से नहीं है। सर, शहरी क्षेत्र के अलावा यदि हम लोग बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, तो किसानों की आय का सरकार ने दोगुना करने का वादा किया था। किसानों से बात करो तो वो कहते हैं आधी आय हो गई। किसान संबंधी समस्याओं पर आप क्या खास बात कहेंगे, और अफीम किसानों को लेकर, CPS पद्धति को लेकर आपका क्या कहना है? सर देखिए, अफीम एक बड़ा मुद्दा है और अफीम भारत सरकार के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस समय भारत सरकार का चुनाव नहीं, ये मध्य प्रदेश सरकार को लेकर चुनाव है। भारत सरकार के माध्यम से मांग की जाना चाहिए कि जो किसानों की जो CPS पद्धति का जो फार्मूला उन्होंने अपनाया है, वो पिछले 2 सालों से जो प्रयास किया है, वो 2 सालों से उनके किए गए सरकार का प्रयास भी फेल हुए हैं। उनको प्रॉपर डोड़ा और डोड़ा चूरा नहीं मिला है और किसानों को भी पर्याप्त आय नहीं हुई है। दूसरी चीज़ों का किसानों को पर्याप्त मूल्य ही नहीं मिल रहा है। मंडी की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, मंडी आए दिन बंद हो जाती है। लाल गेंग का वहाँ पर अपना प्रयास है, लोगों को यहाँ पर अलग से आड़त प्रथा देना पड़ रही है, आड़त प्रथा पूरी तरह से बैन है। सब्जी मंडी में आड़त प्रथा पूरी तरह से बैन है। ये एक ऑर्डर किया हुआ है कि कृषि विभाग का एक अधिकारी जाएगा और वो खुद सब्जी बिकवाएगा, लेकिन आपने 15 सालों में एक भी कर्मचारी नहीं देखा होगा जिसने जाकर वहाँ पर सब्जी बिकवाई हो। हर दिन किसान के साथ शोषण हो रहा है, हर दिन किसान के साथ शोषण हो रहा है। जिन मुद्दों और समस्याओं पर आपने और हमने बात की सर, अभी विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे कितने कारगर होंगे और क्या प्रभाव मानते हैं सर इसका? मैं थोड़ा निराश हूँ नीमच के लोगों से इस बात के लिए कि वो उनके स्थानीय प्रयास कमजोर हैं। वो लोग राजनीतिक प्रतिबद्धता को ज़्यादा मानते हैं, वो अपनी अपनी पार्टी को ज़्यादा मान रहे हैं। यहाँ तक मैं व्हाट्सअप फेसबुक देखता हूँ तो वो धर्म के आधार पर भी चुनावों को जोड़ते हैं।
मैं ये सोचता हूँ कि हर कॉलोनी वालों को अपना एक एनजीओ बनाना चाहिए और नेताओं से बात करना चाहिए कि आपके जीतने के बाद हमारी राजेश कॉलोनी की इस समस्या का क्या होगा, हमारी इंदिरा नगर की इस कॉलोनी का क्या होगा। नीमच में आज इतने खेत हैं, बंगला बगीचा समस्या निराकरण की बात हो गई, लेकिन खेतों का क्या? वो खेत किसके हैं? आज की तारीख में अभी नया मास्टर प्लान बना, मास्टर प्लान में मैंने 36 आपत्तियां लगाई थी, उसमें से मेरी 5-6 आपत्तियां मंजूर हुई, बाकी नामंजूर हुई है। तो नामंजूर होने से शहर का ही नुकसान हुआ है। आज केवल उन्होंने मंजूर की रिंग रोड का स्थान चेंज करके वो जयसिंहपुरा के पास लेकर आए, लेकिन कृषि उपज मंडी के स्थान के बारे में उन्होंने एक ऑर्डर किया है कि नीमच में जो ग्वाल टोली के जो भट्टे हैं वो भट्टे यहाँ से हटकर समय आने पर डुंगलावदा जाएंगे। आप अंदाज लगाओ कि डुंगलावदा में कृषि उपज मंडी जा रही है, वहाँ अलग तरह से विकास हो रहा है। अगर वहाँ न्यूसेंस हुआ, वहाँ ईंट भट्टे चले, तो क्या वहाँ का विकास हो पाएगा? तो न तो डुंगलावदा का विकास होगा, न ईंट भट्टे वालों का विकास होगा। तो आज इनका कोई पैमाना नहीं है, विकास का मापदंड होना चाहिए। जैसे शहर में एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर प्रेशर बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है, तो दो बस स्टैंड होना चाहिए। तो मास्टर प्लान में ये तय किया गया कि ग्वाल टोली के पास यहाँ पर बस स्टैंड बनेगा, लेकिन शर्त कि जब ग्वाल टोली के भट्टे हटेंगे तब। 100 साल भट्टे हटेंगे नहीं, 100 साल बस स्टैंड बनेगा नहीं। तो ये क्या किंतु परंतु विकास में, किंतु परंतु नहीं, विकास में उदारवादिता भी होती है तो जागरूकता भी होती है और कठोरता भी होती है। ट्रिपल इंजन सरकार का दावा किया जा रहा है कि नगर पालिका भी बीजेपी की है, राज्य सरकार में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, जनता को इसका क्या लाभ मिला सर? ट्रिपल इंजन तो फेल हो गया है। इसको तो ये मान के चले कि इनका समन्वय का अभाव है, इनमें बीच में ही इनके खुद के आंतरिक विवाद हैं, और नीमच की जितने विकास की संभावना है वो सारी मंदसौर जा रही है, और नगर पालिका को खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। अगर पूरे शरीर को ठीक करना है तो पेट ठीक करना पड़ेगा, नीमच विधानसभा को ठीक करना है तो नगर पालिका को ठीक करना पड़ेगा। नगर पालिका नष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, स्थानीय जिला प्रशासन के प्रयास कमजोर हैं, उनको सुनते नहीं है। अनेक लेटर मैंने देखे हैं कि जिला प्रशासन ने लेटर दिए लेकिन नगर पालिका ने उसको डस्टबिन में डाल दिया है। जिला चिकित्सालय के हालत खराब हैं, मैंने RTI में सूचना प्राप्त की तो पता चला कि एक साल में 250 से ज़्यादा तो बच्चे यहाँ मर गए हैं, पैदा होते ही मर गए हैं। मुझे सूचना मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है कि डॉक्टर नहीं है, रात को इलाज नहीं करते हैं, एनेस्थिया देने के बाद डॉक्टर आपस में लड़ रहे हैं, इलाज करने वाले नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई की हालत दिन पे दिन खराब हो रही, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसको देखकर तो मन में आंसू आता है कि क्या ये शिक्षा का क्षेत्र बना है कि गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में इसलिए एडमिशन दिया जाता है कि वो फ्री पढ़ेंगे और मिड डे मील मिलेगा, लेकिन पढ़ाई तो वहाँ जीरो है। तो ये सारा जो चौपट इसने कर दिया है, और मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप इस ट्रिपल इंजन में नहीं आए, आप मुद्दों के आधारित पॉलिटिक्स के आधार पर आगे बढ़े। तो ये थे एडवोकेट महेश पाटीदार जी, जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीनों को बड़ा मुद्दा बताया, साथ ही साथ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल रही है और जनमानस को भी जागरूक होना होगा। साथ ही साथ उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हुए कुछ सलाह भी दी, और साथ में उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जो है उनकी उदासीनता शहर के विकास में सबसे ज्यादा आड़े आई है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी अशफाक हुसैन के साथ अब्दुल अली ईरानी।